दीजिएगा। आज मांझे से गला कट गया है नायलोन के मांझे से। अभी हम ये हमारी गुजारिश है कि ऐसे आसपास से बचने के लिए हम खुद ही प्रिकॉशन ले, घर से निकलते टाइम मफलर डाल ले गले में और गॉगल पिन ले, ताकि ऐसे बड़े हादसा से हम बच जाए, ताकि ऐसा हादसा ना हो किसी के भी साथ। अभी हम मौजूद है अजीम कॉर्पोरेटर के साथ में, जो एक्स कॉर्पोरेटर टीम के साथ में। आइए इनकी जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है। शरीर पाटिल रोशन कर मानी नाला सेवक हूँ। यहाँ मेरे भाई का घर है और ये जो बच्चे हमारे भाजने के साथ रहता है दिन रात, उसका खास दोस्त है। तो मेरे को मालूम पड़ा ऐसा उसके साथ हादसा हुआ, तो मैं उसको देखने आया। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, जी श्रीकांत साहब ने इससे पहले परसों के दिन भी पाइप देके बोले कि भाई नायलॉन के मांझे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर क्या है, ऊपर के अधिकारी काम करना चाहते और उनके नीचे जो अधिकारी है ना वो ले लेके काम करते थे, उसके वजह से मांझा बिखरा। अब लोगों का शौक एक जगह रह गया, बच्चे की तकलीफ एक जगह रह गई। तो ये काम अपने जिला कलेक्टर साहब अस्तिक कुमार पांडे भी इसमें कड़क है, वो भी कुछ कार्रवाई करेंगे। जी श्रीकांत साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, ये क्या है, ये दो नंबर का जो धंधा है ना, ये लोग बहुत जोरों से कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कल ही हमारे पास एक जुए की कार्रवाई है, आपके पास डीसी के साथ भी बोल, कावर साहब भी बोल, इसकी रद्द में आए हुए हैं। तो हमारी यही मांग है कि भाई आप शौक करो, आप घर में करो, एक ग्राउंड मैदान में जाके करो, ऐसे रोड पे गली पूछो में मत उड़ाओ, जाके जो आपका भाई एक बच्चा आपका घर का शौक कर लेगा और दूसरे बच्चे को घर से नुकसान हो जाएगा और बच्चे को अठा डाके लग जाए, अगर खुदा ना खाता थोड़ा और गहरा कट जाता, उसकी जान चली जाती, इसका जिम्मेदार कौन? यही आपके माध्यम से, एक्शन के माध्यम से आपके पूरे प्रशासक से उससे मांग करूंगा, इस पर कड़क कार्रवाई करके बिल्कुल पतंगों की दुकान पे और जो घरों में मांझे बिखरा, क्योंकि दुकान पे तो नहीं बेच सकते, कि दुकान वाले जो पास घरों में या कोई गोडाउन लेके वहां से जहाँ से मांझा बेच रहे वहां छापे मार के ये पूरा मांझा जब्त करना चाहिए और उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक नौजवान की जान जोखिम में जा चुकी है। आज एक नौजवान की जान जोखिम में गई, हो सकता है कल किसी और की जाए, तो ये चीज किसी और के घर में ना हो, इसलिए प्रशासन से मेरी गुजारिश है और इन लोगों की भी गुजारिश है कि नायलोन मांझा जो है वो बंद कर दिया जाए। आप देख रहे हैं एमटीएन समाचार और मैं हूं सैयद फराज। अभी हम मौजूद है जूना बाजार में और यहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ही हादसा हो चुका है। आज संक्रांति के दिन जो लैलून मांझे से पतंग उड़ा रहे थे, उसकी वजह से एक नौजवान का गला यहाँ से कट चुका है। उसकी जाने का डर था, मगर अभी डॉक्टरों ने कहा कि वो खतरे से बाहर है। आइए जानते हैं हम उनके वालिदैन से बात करते हैं, उनके घर के जिम्मेदार होते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में। ये 5:30 बजे जो वाक्य है, बच्चा हमारा आमखंड मैदान से आ रहा था, तो रास्ते में उसने फोन किया कि सर ने क्या मांझे से गला कट गया है। तो हमारी पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर से ये गुजारिश है कि जो नायलॉन का मांझा आपने बैन कर दिए, फिर भी ये घरेलू से कैसा बिखरा, इसके पीछे कौन है, कोई ना कोई इसके पीछे है, जब ये लेके इतनी इसकी क्वांटिटी में ये बिखरा ना, तो हम अवामी नुमाइंदों से भी ये गुजारिश करेंगे कि इसके खिलाफ लेके आप आवाज़ उठाए और ऐसा हादसा आगे ना हो, ऐसा हमारा वो। सर मेरा एक सवाल ये है कि जब ये गला कटा आपके लड़के का, तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेन की है क्या? ना, पुलिस कंप्लेन तो नहीं की, हमने डायरेक्ट घाटी अस्पताल ले गए, वहाँ PI आए थे और उन्होंने फोटोज वगैरह लेके इंक्वायरी के लिए लेके गए। नहीं, आपको क्या बताएं, क्या मेरे को ऐसा देखता है MLC हुई भी है, MLC के बगैर उन्होंने टाके वगैरह आगे ट्रीटमेंट किए नहीं, पहले MLC की उन्होंने, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ। PI ने कुछ मैंने आगे इंक्वायरी कर लिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं PI जो थे उन्होंने आगे इंक्वायरी करेंगे ऐसा बोलकर वो बात को हल्के में ले लिए। यहाँ पर जो है 14 जनवरी के दिन लोग ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं जैसे उनका फर्ज बनता है पतंग उड़ाना, लोगों की जान जोखिम में डालकर। और आप देखते रहिए MCN समाचार सैयद फरहान के साथ।